की मौत हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी में कोरोना से दूसरी मौत। मेरठ में कोरोना संक्रमित शख्स की मौत हुई है। मेरठ में एकदम से मामले तेजी से बढ़े थे और एक 72 साल के शख्स की मौत हो गई है और इसकी पुष्टि भी कर दी गई है कि कोरोना की वजह से ये मौत हुई है। इससे पहले यूपी के गोरखपुर में एक व्यक्ति की मौत हुई थी और लखनऊ के जीएमयू में जब रिपोर्ट पहुंची तो बात सामने आई थी कि कोरोना की वजह से हुई। हालांकि सरकार ने कहा था कि गहन जांच होगी और अभी दूसरा मामला सामने आया है, मौत का आंकड़ा बढ़ता हुआ, दूसरी मौत उत्तर प्रदेश में कोरोना से। बड़ी खबर, कोरोना से यूपी में दूसरी मौत। और 72 साल का ये शख्स था जिसको कोरोना हुआ था, कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, इलाज जारी था। लोकेश टंडन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सी मीडिया संवाददाता। लोकेश, इस मामले को लेकर क्या है पूरी खबर? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि अभी ये जो 72 साल का जो बुजुर्ग है, ये इकरामुद्दीन जो खुर्जा निवासी था और अमरावती से मेरठ पहुंचा था, क्योंकि मेरठ में इसकी ससुराल थी और इसी इकरामुद्दीन ने अपनी ससुराल के 16 लोगों को इन्फेक्ट किया था, यानी कि 16 लोगों में इकरामुद्दीन सहित कोरोना पाया गया था। तो अब जो इकरामुद्दीन के ससुर जो थे मोहम्मद अब्दुल अहमद, उनकी मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि रात लगभग 1 बजे उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, उसके बाद उनको वेंटिलेटर पर रखा गया क्योंकि वो डायबिटिक थे और भी सारी कई बीमारियां थी उनको, जिसके चलते उनकी सुबह मौत हो गई। और उसके बाद अब जो आरती गुप्ता है प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज से, उन्होंने उसकी पुष्टि कर दी। जी बिल्कुल, लोकेश आप बने रहिए हमारे साथ, हम जानते हैं क्योंकि मेडिकल कॉलेज की तरफ से इसकी पुष्टि भी हुई है। के साथ कुछ रिस्क फैक्टर भी थे, जैसे इनके डायबिटिक भी थे, कहते डायबिटिक भी थे, इनको क्रॉनिक पल्मोनरी डिजीज भी थी और इनको जो है तो ये एज तो है ही, एज फैक्टर तो है ही है कोरोना में, कि कोरोना में जो है जो थोड़ा सा कंप्रोमाइज होते हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा उनका रिस्क होता है। तो ये जो है रहे और हम लोगों ने करीब जो है 8:30 से इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा डिटेरियोरेट होना शुरू हो गई और करीब 11 बजे के आसपास जो है इनकी जो है डेथ हो गई। तो मेडिकल कॉलेज प्रबंधन की तरफ से इसकी पुष्टि की गई है। लोकेश ये बताइए, कब ये मामला सामने आया था, कब भर्ती कराया गया था, इसको लेकर पूरी जानकारी बताइए। जी बिल्कुल, आपको बताइए 29 तारीख को इनको भर्ती कराया गया था, जो ये अमरावती जो निवासी था, जो खुर्जा निवासी जो था, ये अमरावती से आया था, इकरामुद्दीन अपने मेरठ ससुराल में आया था और ससुराल में आने के बाद जब ये पकड़ में आया, क्योंकि इसने लगातार मस्जिदों में नमाज पढ़ी, कई शादियों में ये गया था और यहाँ तक कि अपने जो आसपास के जो डॉक्टर है, दो डॉक्टरों को ये दिखाया क्योंकि इसमें बुखार था, लेकिन जब बुखार कंट्रोल नहीं हुआ तो मेडिकल में पहुंचा ये, वहां पर सैंपल ले गए तो वहां पर ये पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद इसके परिवार के लोगों को, यानी कि जो इसकी ससुराल के लोग हैं उनको भी क्वारंटाइन किया गया, उनके सैंपल लिए गए। इसकी पत्नी सहित पहले 3 सालों में पुष्टि हुई थी, यानी कि 5 लोगों में कुल पुष्टि हो गई थी, उसके बाद जो 3 मकान है इसकी ससुराल के उनको भी क्वारंटाइन किया गया था, वहां सैंपल लिए गए थे, जिसमें से टोटल इसकी ससुराल के लोगों के इकरामुद्दीन सहित 17 लोगों की पुष्टि हो गई थी, जिसमें इसके जो ससुर हैं अब्दुल अहमद, उनकी कल रात अचानक तबीयत खराब होगी 1 बजे के आसपास और उनको वेंटिलेटर पर रखा गया। वेंटिलेटर के बाद ये जानकारी मिल चुकी है। अभी आप ये बताइए कि अभी मेरठ में कितने लोग संक्रमित हैं, कितनों को इलाज जारी है, ये अपडेट बताइए। जी बिल्कुल, अब तक लगभग 120 लोगों के सैंपल लिए जा चुके हैं, जिसमें से 101 सैंपल निगेटिव आए हैं और जबकि 19 सैंपल है वो पॉजिटिव आए हैं, जिसमें से आज अब्दुल अहमद की मौत हो चुकी है। आपको बता दें तो 2 सैंपल हैं वो अलग हैं, जो 2 लोग विदेश से आए थे वो उनके वो पॉजिटिव लोग आए हैं, एक सूर्यनगर निवासी है तो दूसरा यहाँ का जो पौध इलाका है, डीएम का कलेक्टेड इलाका है, सिविल लाइन इलाका है, वहां की एक महिला है जिसमें ये लक्षण पॉजिटिव आए हैं। जी शुक्रिया आपका लोकेश जानकारी के लिए। तो मेरठ में कोरोना से दूसरी मौत हुई है उत्तर प्रदेश में, मेरठ से मामला सामने आया है और आज ही कोरोना से दूसरी मौत का भी मामला सामने आया। ये 2 तस्वीरें, पहली मौत हुई थी गोरखपुर में जहां पर एक व्यक्ति को भर्ती कराया गया था, सोमवार को इसकी जांच ली गई थी लेकिन जब रिपोर्ट केजीएम में पहुंची तो मामला सामने ये आया कि व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव था और उसके बाद से लेकर जांच पड़ताल अभी तक लगातार जारी है। वही दूसरी मौत जहां 72 साल के एक शख्स की जान चली गई कोरोना की वजह से, 29 तारीख से अस्पताल में भर्ती था आइसोलेशन वार्ड में और लगातार इलाज भी जारी था। बताया जा रहा है कि जिस व्यक्ति की मौत हुई है 72 साल उम्र थी और
डायबिटीज से के अलावा और भी कई बीमारियां थी, जैसा कि एज फैक्टर कोरोना में सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। एज फैक्टर यानी कि उम्र दराज लोग, 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। जो मामले अब तक सामने आए हैं मौत के, उनमें सबसे ज्यादा मामले वही हैं जिसमें मृतक की उम्र 60 साल से ज्यादा है। तो कोरोना से यूपी में दूसरी मौत का मामला, पहली मौत गोरखपुर में, दूसरी मौत मेरठ में। गोरखपुर में एक शख्स मौत हुई और केजीएमयू से रिपोर्ट सामने आई लखनऊ से कि शख्स में कोरोना पॉजिटिव था। वहीं दूसरी मौत हुई है मेरठ में। उत्तर प्रदेश